Have your attention, please. The fire alarm has been activated in the building. The fire alarm has been activated in the building. Please proceed to the nearest exit and leave the building. ये हमारी बिल्डिंग का फायर अलार्म बज गया है अभी रात में 2 बजे, और सब लोग आके नीचे लॉबी में इकट्ठे हो गए हैं। और फायर अलार्म बजने की वजह से स्प्रिंकलर वगैरह सब चालू हो गया किसी किसी फ्लोर का, और लिफ्ट बंद हो गई है, तो सारे फ्लोर तक हमें नीचे आना पड़ा। तो मेक श्योर जब आप किचन में काम करो तो जब तड़का वड़का लगाओ तो कोशिश करो कि अपनी चिमनी वगैरह हमेशा चालू रहे उस टाइम, नहीं तो आपका भी फायर अलार्म बज सकता है उस स्मोक की वजह से। फायर अलार्म बजते ही यहाँ पर पुलिस और फायर डिपार्टमेंट जो है वो तुरंत ही उस लोकेशन पे आ जाते हैं जहाँ से अलार्म बजा होता है। ये रहा मेरी ऑफिस की विंडो से व्यू, यहाँ से पूरा वॉल्टडेल ब्रिज और काफ़ी ज़्यादा एडमंटन दिखाई देता है। लोग निकल रहे हैं वॉलमार्ट के लिए क्योंकि आज हमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है इंक्लूडिंग ग्रॉसरीज एंड हार्डवेयर, बिकॉज न्यू मंथ से दिसंबर 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स हम लोगों को अपने नए घर में शिफ्ट होने का परमिशन मिल जाएगा। तो वहाँ पर कुछ कुछ बेडिंग्स और ये फर्नीचर वगैरह का रिक्वायरमेंट है जो मैंडेटरी है वो हमें लेना है, तो हम उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं बिफोर बाइंग दैट। एंड छोटा मोटा भूख लगेगा तो हमने अपना फेवरेट बिस्किट रख लिया है, ये बहुत ही अमेजिंग बिस्किट है सेलिब्रेशन। अरे ट्रेन जा रही है, ओ यस वो ट्रेन जा रही है, वो दिखेगा नहीं शायद, दिख जाए थोड़ा बहुत। ऊपर से इलेक्ट्रिक वायर जा रही है, ये पूरा रेलवे ट्रैक है, ये फुल्ली एस्टैब्लिश नहीं है पूरे एडमंटन में स्पेसिफिक। हाँ LRT सिस्टम कहते हैं इसको। कितने हैं? मुश्किल से 10 स्टेशन होंगे। मुझे प्रॉपरली पता नहीं है बट कम है। हाँ स्टेशन अभी कम है, कम्प्लीटली पूरे एडमिंटन में इस्टेब्लिश नहीं है बट इट्स वर्किंग प्रॉपरली। ये मेन स्ट्रीट, ये मेन कंपनी है यहाँ की, रियल स्टेट कंपनी है जो कि सारी प्रॉपर्टीज को लिस्ट करती है जो भी अवेलेबल रहते हैं फॉर रेंट और फॉर द सेल फॉर एनी काइंड ऑफ अ लीज, वो लिस्ट करवाती है और रेंटल वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट करती है, जो भी है लिंकेज जो होता है वो इनके थ्रू होता है। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गया चलते चलते, आई थिंक अब हम 5 to 10 minutes में पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन में। ये किंग्स वे आ गया है उस साइड, मार्शल, H&M, प्योर एंड सिंपल ये सब है, बट हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं क्योंकि हमें रियल कैनेडियन जाना है। और ये हमारी बिल्डिंग हम इतना दूर चल के आ गए हैं, ये पूरा एविएशन यहाँ पर हर कहीं से अपने वाली बिल्डिंग जो ऊंची ऊंची डाउनटाउन की बिल्डिंग वो दिख रही होती हैं, बल्कि ये वाला जो पहाड़ वो जो पहाड़ है वो भी हमें हमारी विंडो से दिखाई देता है। ये पूरा एविएशन, अल्बर्टा एविएशन म्यूजियम है। बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, हम लोग जहाँ चल रहे हैं ये एकदम ओपन एरिया है, एकदम वाइड रोड हाईवे टाइप जैसे इंडिया में होता है, बहुत ही खतरनाक हवा चल रही है। वेश क्या टेम्परेचर है? फील्स लाइक -6 दिख भी रहा है, -6 टेम्परेचर चल रहा है, तभी हम लोगों की थोड़ी सी कुड़की सी जम रही है। हाँ राइट, बट केवल खुले वाले में, अभी तो जैसे ये मैंने खोल के ही रखा है तो उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा, ज़्यादा यहाँ चल जा रहा है। हवा हम लोग बाहर हैं तो हवा बहुत चल रही है, मेरे मैं फंबल कर रही हूँ, मेरे उसे बोला नहीं जा रहा है। देयर आर सम सलून अपडेट्स, ओके नाउ वी आर अबाउट टू रीच रियल कैनेडियन, जिसके वजह से हमने इतनी मेहनत करी है यहाँ पर पहुँचने के लिए, जस्ट एविएशन म्यूजियम के अपोजिट है।
पर कुकुम्बर के प्राइसेस देखो बहुत कम है, मतलब अगर दो लेते हो दो सेट, मतलब कि ये तीन तीन के दो सेट हैं, मतलब कि अगर छः ले लोगे तो सिर्फ कितने का 4.47 का पड़ेगा, और अभी हम लोग जहाँ से लेके आए थे उन जगहों पर 1.7 का एक कुकुम्बर था। ये कैरेट का प्राइस है $3.5, चार तक के लिए मिलेगा, चार तक लेते हो तो 3.5 का ईच, नहीं तो फिर 3.99 का, और अच्छा खासा बड़ा पैकेट है। ये वेरिएशन है पैकेट्स में, ये अलग ज़्यादा बड़ा है, ग्राम्स लिखे होंगे ना, लिखे हैं ग्राम्स। ये 907 ग्राम है, ये भी 907 ग्राम है, ले लो। टमाटर 1.97 पर LB, LB का मतलब कि आधा किलो के आसपास। यहाँ पर नींबू का ये इतना बड़ा पैकेट जो है वो $7 का है। कल जो लेके आए थे वो तो एक नींबू ही काफ़ी महंगा था। अब ये देखते हैं बेरीज कितने की हैं। 8.99 की ब्लूबेरी का पैकेट है ये। चेरी 6.49 रखे हुए हैं। 0.89 का ग्रुप ऑफ थ्री, और इतने बड़े बड़े नींबू। कल तो हम लोग बहुत ही बहुत महंगा ही ले आए, कल क्या परसों जो लाए थे। ये चेस्टनट है, पता नहीं क्या होता है चेस्टनट, बट बहुत जगह मिल रहा है ये। 2.99 का है ये। ये मिनी कुकम्बर्स हैं, $6 का पूरा पैकेट। ये आम रखा हुआ है देखो, 1.69 का एक है, एक तो ले ही सकते हैं, ये वाला आम ले लेते हैं एक और बड़ा, क्योंकि ईच का हिसाब है ना यहाँ पर, ये वाला लेते हैं। ये पेयर मतलब नाशपाती ना, बबूशा, बबूशा मिल गया जो अभी तक कहीं नहीं मिला था। और क्या रेट है एक बार ना, 2.99 का LB, मतलब आधा किलो $3 का है, पर ठीक है। 1.49 डॉलर का है, 1.99 $2 लेने हैं क्या। ये चेरी ड्राई चेरी, 3.14 है। सीड्स ना, डाइट में रखते हैं। ये कितने का पैकेट है, 229 ना। ये सेक्शन पूरा इंटरनेशनल लेन है ये वाली। तो यहाँ पर अपने को सारा जो है इंडिया का माल मिल रहा है। देखो ये सूरज करके कोई तो ब्रांड है, ये देखो चिकन मसाला टिक्का, और सबके दाम आप देख रहे हो लिखा हुआ। कसूरी मेथी का कितना बड़ा बड़ा पैकेट रखा हुआ है, सब चीज़ है यहाँ पर, हर मसाला है। देखो आप रेट भी देखते रहो। ये जो है अपना कैरम सीड, मतलब अजवाइन ना, अजवाइन हो गया मैम, चना मसाला हो गया, ये तेज पत्ता हो गया, और रेट भी देख लो, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हर तरह के मसाले हैं, रेट भी लिखे हुए हैं, देख लो आप एक बार, पॉज करके देख लेना अगर ज़रूरत हो। काला नमक, ये रेड चिली हो गया, ठीक है। और सबसे बढ़िया चीज़, हाँ सबसे बढ़िया चीज़ जो बड़ी मुश्किल से मिल रही थी वो रही है, डाबर का अपना तेल है। हालांकि $10 का है एक लीटर, बट या जिसको ज़रूरत है सो है, ठीक है, तो सही है। ऑयल भी बहुत आसानी से, यहाँ पर तीन कैटेगरीज है कुकर एंड ऑयल की। और ये एक और बेहतरीन चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, जिसकी वजह से हम लोग शुरू में काफ़ी परेशान हुए। ये देखो अपना आशीर्वाद आटा रखा हुआ है। हालांकि आशीर्वाद आटा इन सारे आटों में सबसे महंगा है, $22 का है, बट हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे ये गेहूँ चोकर युक्त गेहूँ का आटा है, क्वालिटी सेम क्वांटिटी है, और $17 में। बेसन के बड़े बड़े पैकेट हैं, गोल्डन टेम्पल मक्के का आटा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी आपको और दिखाता हूँ, ये शेयर कंपनी की बहुत फेमस है, पोहा रखा हुआ है। पोहा कितने का, पोहा थोड़ा महंगा है, $6 का है ये छोटा पैकेट। सूजी है, ये MTR का डोसा मिक्सचर, सोया चंक, सबके रेट भी लिखे हुए हैं, देखते चलो। गुलाब जामुन हल्दी नाम के, तो ये जो डब्बा है अपना ये पड़ेगा $5.99 का, कितना 1 kg, 1 kg गुलाब जामुन और एक केजी रसगुल्ला, हाँ 749। भाई ये लेन तो ज़बरदस्त है अपनी, रियल कैनेडियन जिंदाबाद। ये देखो आगरे का पेठा, ये कितने का है, $4.99 का 400 ग्राम। सोन पापड़ी 4.89 की 500 ग्राम, देखो अपनी रेड लेवल भर भर के रखी हुई है।
899 में 900 ग्राम। देखो छोले रखा हुआ है 907 ग्राम, मतलब कि भाई अपना 2 LB और $4 का। यूपी कितने का है? 1.49 का है, सिंगल वाला, छोटा वाला। 49 सेंट्स ओनली। मैगी भाई भर भर के चीज़ें हैं यहाँ तो अपनी। सॉस ढूंढते हैं पहले मैगी का ना। ये अपने इंडिया गेट का प्रीमियम बासमती, कितने का है ये? 16.49 का 5 किलो। फिर ऊपर भी हैं, ये 4 किलो है $10 का, क्वालिटी समथिंग करके। फिर दावत, दावत बासमती है $20 का 4 किलो। ये देखो पूजा के फेवरेट। चाहिए? कितने का ये? 1.29। ठीक है रख लो रख लो रख लो रख लो। घटिया। कितने का? 2.99 की पानी पूरी, पानी पूरी 6.49, 275 ग्राम है। यहाँ पर पानी की बॉटल और जूस टाइप की चीज़ें सारी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब मिल जाएंगी। भरा पड़ा है। ये देखो हम लोग जो बावली खाते थे अपना, कहाँ दिल्ली का ही तो ब्रांड था वो, महाराष्ट्र महाराष्ट्र नासिक का ना। ये देखो बावली के जिसके हम लोग वो मूनफिल्स खाया करते थे। ये क्या कोई सा तो केक है ये? कितने का है? पंडोरो लेमन, पता नहीं क्या, $13 का है। बड़ा केक है बट बावली वाले भाई साहब यहाँ तक पहुँच गए, इंटरनेशनल ब्रांड है। ये सेलिब्रेशन जो उन्होंने बिस्किट लिए थे वो रखा हुआ है, 319 का है। $10 में तो पूरा बड़ा आ गया था अपना। पनीर जो था 6.29 का था, कितना? 350 ग्राम, ये वाला जो हम लोग पहले भी लेके आए थे। बट उसके बगल में ही ये TRE क्या ट्री स्टेल पता नहीं क्या करके ये मिल रहा है 350 ग्राम का, ग्रुप ऑफ टू, मतलब कि 700 ग्राम केवल $450। अनसॉल्टेड बटर रखा हुआ है 6.49 का। अभी तो हमारे पास है इंडिया वाला, जब ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग ने यहाँ पर अभी $56 की शॉपिंग कर ली है। और अभी मतलब जो इक्विपमेंट्स लेने आए थे वो तो नहीं बढ़ा, ग्रोसरी का जो लेने आए थे उसमें काफ़ी कुछ ले लिया, क्योंकि यहाँ से हमें सीधे वॉलमार्ट, जाना है, इससे ज़्यादा वजन नहीं बढ़ा रहे हैं वॉलमार्ट, क्योंकि हमारा एंड रहेगा उस जगह पर, तो वहाँ से ही थोड़ा बहुत जो भी भारी वाली चीज़ें भी हैं वो ले लेंगे। फिर अगर ज़रूरत रही तो बस से चले जाएंगे, नहीं तो पैदल तो जा ही सकते हैं।